या हमारे बड़े भाई कलीम भाई, इनकी वोट पे आए और ये हमारी मिलती हुई। काम ज्यादा कहाँ आ रहे इधर, इसका पकड़ ले। कुछ जो काले दिख रहे इसमें मच्छी रखी जाती है। मोहम्मद भाई क्या क्या आपके इधर, क्या क्या अभी? वड़ा पाव है, वड़ा पाव, दूध है, जैसा चाय, ऑमलेट पाव है, ऑमलेट पाव है, सिगरेट, माचिस। आप ये डोंगरी पे मोहम्मद भाई कितने साल से? मैं आपको देखिए ये सब मच्छी मिली हुई है और आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो यहाँ काम करते जो नेपाली होते यहाँ, ये इस जगह पे अपना खाना बनाते हो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात व्लॉग्स। सो गाइस मैं हूँ अभी हमारे गांव के ब्रिज पे, यानी जैतापुर ब्रिज पे। सो आपने हमारे गांव यानी साकिनी नाटे का हर एक पॉइंट देख लिए, जैसे मूसा का जी हो गया, अम्बुलगढ़ हो गया। सो आज आपको मैं इस वीडियो में हमारे गांव यानी साकिनी नाटे का मच्छी मार्केट दिखाऊंगा, जहां जहां बोट मच्छी लेकर आती है और जहां खाली होती है जेटी पे, वो दिखाऊंगा, जिसे हमारे गांव में डुंगेरी करके बोलते हैं। सो आज आपको मैं हमारे गांव की डुंगेरी दिखाऊंगा और हम देखेंगे आज हमारे गांव में कौन कौन सी बोट मच्छी लेकर कौन कौन सी मच्छी लेकर आई है, ये सब दिखाऊंगा। ये सब देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में एंड तक बने रहो। आज हम ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे हमारे गांव की मच्छी मार्केट। सो चलो, जो आपको ये कि धक्का दिख रहा है, जेटी दिख रही है, इधर भी हमारे गांव की बोट आती है, खाली होती है। फिलहाल ये सब पूरा खाली है, इधर एक भी बोट नहीं है। और जो डुंगेरी करके उधर गांव में वहां जाएंगे अभी हम, वहां देखेंगे कौन सी बोट आई है या कौन सी नहीं आई अब तक। सो चलो जल्दी से चलते और आपसे मिलते हैं सीधा डुंगेरी पे। चलो सो गाइस, यहाँ से शुरू होती है हमारे गांव की डुंगेरी यानी मच्छी मार्केट। आप जो नीचे सब देख रहे हो, बोट रुकी हुई लाइन से, कितनी सारी बोट है। अभी हम चल गए उधर बोट के पास। सो चलो यहीं से चलते हैं अभी। एक दो तीन चार, बहुत तीन चार ही बोट है अभी फिलहाल। ज़्यादातर बोट यहाँ रात में आती है। चलो पहले चलते करीब हम। सो अभी फिलहाल में यहाँ ज़्यादा बोट नहीं है, करीब दो तीन ही बोट है, तो यहाँ हम चलते पहली बोट की तरफ। सो देखिए ये हमारे तौसीफ भाई, ये रही उनकी बोट, और ये हमारे दूसरे भाई, हम आए इनकी बोट पे। हाल में यहाँ ज़्यादा बोट नहीं है, इनकी बोट पर देखिए मच्छी खाली हो रही है। एक दो तीन, तीन ही बोट है सब, बाकी रात में बोट आएगी। तो यहाँ हम देखते उतरने की कोशिश में, यहाँ बोट नहीं है लेकिन यहाँ हमारे मोहम्मद भाई की दुकान है वड़ा पाव की, छोटी सी देख सकते हैं ये। अभी तो बोट नहीं, अभी हमारे वो कलीम भाई की बोट पे से मैं अभी इनके दुकान पे आया थैली लेने, क्योंकि उन्होंने बोले बांगड़ा मच्छी है वो देते। फिर देखिए मोहम्मद भाई हमारे, वो बोट कभी आती इधर? शाम को आती, शाम में अभी सब आएंगी ना बोट, अभी वही हाल में खाली है सब, देख सकते हैं। अभी हमारे पुराने घेरे गए मोहम्मद भाई अभी यहाँ। ये हमारे बड़े भाई कलीम भाई, इनकी वोट पे आए और ये हमारी मिलती मच्छी, बांगड़ा मच्छी। ये रही इनकी बोट खाली होती हुई। तो यहाँ काफी बोट रुकी हुई है, अभी तो कोई बोट नहीं है, तीन ही बोट है। यहाँ हमारे कलीम भाई की बोट और दो बोट किसके, क्या एक तनवीर भाई की बोट, ये बाकी अपने को मालूम है तीन बोट किसके, एक तनवीर भाई की, एक तौसीफ भाई की। ये हमारी बोट और ये जाला, और यहाँ आया हुआ है बांगड़ा जो हमारे को मिल चुका है। सो ये देखिए सब खाली होती हुई अभी बोट, सब ये आदमी लोग बोट से बांगड़ा अंदर नीचे से निकालते हुए, नीचे बर्फ़ डाल के इसमें रखा जाता है मच्छी, वहीं से खाली करते हुए।
बाजू ले, बाजू ले, ले पूरा कर, पूरा कर। हाँ काटा। धीरे-धीरे बारिश होता है। लो इसमें डाल। ए भाई इसमें डाल। नर। ए। कोमा है ना कोमला इसमें मर। कम ज़्यादा क्या? काम ज़्यादा कहाँ रे इधर उधर। चलो इसका पकड़ ले। इधर से इधर लेने टाइम लगेगा उधर से उधर लेने। सो गाइस, मैं अभी डुंगिरी से घर पे आया मच्छी रखने, क्योंकि हमें जो बांगड़ा मच्छी मिली वो रखने में घर पे आया। बात करें तो अभी तो कोई बोट आई नहीं थी, तीन ही बोट थी, उसमें से दो बोट के तो काम निकले हुए थे, और एक जो बोट थी कलीम भाई की जिससे हमें बांगड़ा मच्छी मिली उस बोट का भी काम निकला, इसलिए वो बोट आई। और बोट पे सिर्फ बांगड़े मच्छी थी तो उन्होंने हमें मच्छी दिए। सो मच्छी रखने में घर पे आया था। अभी जाऊंगा एक बार फिर से डुंगरी पे, क्योंकि बोले थे 7:30-8 बजे बाकी बोट आना शुरू होते, तो चले अभी जाएंगे डुंगरी पे और देखेंगे अभी बोट आई क्या नहीं आई है, तो कौन सी बोट आई है और कौन कौन सी मच्छी लेकर आई है ये सब हम देखेंगे। सो चलो एक बार फिर से चलते हम नीचे डुंगरी पे। सो गाइज, एक बार फिर से हम आए डुंगरी पे, और आते ही यहाँ आई बहुत बड़ी बारिश। सो यहाँ हम रुके हुए मोहम्मद भाई के ये दुकान के पास, और यहाँ अभी हाल फिलहाल में कोई बोट नहीं आई हुई है, जो बोट थी वही बोट है। बहुत बड़ी बारिश आई यहाँ और हम इनके छोटे से छत मिल गया, हम रुके और फिर भी भीग गए हम। नेटवर्क आया देख। सो देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस वक्त इस तरह से, पूरा खाली है इस वक्त और अभी तक कोई बोट नहीं, एक बोट आई है अभी शायद से। एक बोट आती हुई जो आप देख सकते हो, अभी हम बोट पे सलीक अब्दुल्ला, और ये एक बोट अभी आती हुई देखिए। ये रहे हमारे नासिर भाई जो आज मेरे साथ डुंगिरी पे आए हुए, और वो रही सामने मोहम्मद भाई की दुकान, और यहाँ हम रुके हुए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक सलीक अब्दुल्ला नाम के बोट पे हूँ मैं अभी, और अभी यहाँ बहुत बड़ी बारिश आई थी, पूरा भीग गया। अच्छा मोहम्मद भाई का छोटा सा दुकान का छत मिला, पैंट भीग गया, वापस एक बारिश आई। और देखिए अभी मेरे पीछे एक बोट आती हुई और बारिश भी आती हुई इधर, तो हम अपना सहारा देखते कहाँ रुकने मिलता है। चलो वापस से बारिश आती हुई, तो ये मैं बोट के सहारा लेकर बोट के किनारे पर आ गया। और देखिए आपको जो काले दिख रहे इसमें मच्छी रखी जाती है सब, और अभी मेरे बाजू देख सकते हैं एक बोट आई, अभी किसकी बोट है पता नहीं, देखते हैं। और अभी ऐसी रात में अभी सब बोट आती जाएगी एक एक करके, और दूसरी बोट भी एक आ रही है, देखते हो किसकी बोट है। और यहाँ और बारिश भी साथ में बहुत ज़ोर से होती हुई देखिए आप। एक बार फिर से काफ़ी ज़ोरों से बारिश होती हुई, बाहर देख ही सकते कितने ज़ोर में बारिश हो रही है। आया हूँ जब से बारिश हो ही रही है और अभी तो बहुत ज़ोर में हो रही है, और मैं अभी बोट के कैबिन में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से कैबिन से बोट के बाहर का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से, अभी एक बोट आई और अभी एक दूसरी बोट और आ रही है। दूसरी बोट आई वो आई, ये बोट पे मैं अभी बैठा था सलीक अब्दुल्ला से, अभी यहाँ से आया वापस से मोहम्मद भाई की मैं दुकान पे। देखिए मोहम्मद भाई आपने क्या क्या, देखिए वड़ा पाव, अच्छा आपके क्या मिलता है आपके मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई क्या क्या आपके इधर क्या क्या, अभी वड़ा पाव है, वड़ा पाव, दूध है, जैसा चाय, ऑमलेट पाव है, ऑमलेट पाव है, सिगरेट, माचिस। अब ये डोंगरी पे मोहम्मद भाई कितने साल से? मैं 16 साल हुआ। 16 साल से इधर ही है मोहम्मद भाई, 16 साल। ख्वाजा करीम नवाज, बिस्किट है, बीड़ी है, सिगरेट है, वड़े का जरा। देखिए इधर, देखिए इधर सब है। वैसे आप सुबह से कितने बजे से लगते हैं? 11 बजे तक, सुबह से 11-12 बजे तक यहाँ रहते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं इधर? 6 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक। यहाँ हमारे मोहम्मद भाई की मेहनत देखिए, सुबह आते 6-7 बजे और यहाँ से 11-12 बजे तक रहते हैं। सब बोर्ड वाले आके इनके यहाँ से वड़ा पाव लेते, ये सब लेते हैं, पूरा फेमस है अपने यहाँ के डुंगरी के रहवासी मोहम्मद भाई। और अभी देखिए फेमस सिटीजन सेलिब्रिटी, और अभी तक एक नंबर, देखिए एक नंबर मोहम्मद भाई, अरे बाप रे, खड़े चाय पीते खड़े। वही देखिए, वही देखिए दूसरी बोट आई है अभी। यहाँ सब गाड़ी ऐसे रुके हुए, बारिश बहुत हो रही है अभी, काफ़ी समय बारिश यहाँ से निकली है। देखिए अभी वो बोट आई जो आप देख रहे हो उस साइड,
और हम यहाँ इस भाई ने बुलाए, बहुत समय बारिश है तो हम ये बोट के अंदर जाके बैठे, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग सोए हुए बैठे हुए, 8-10 हो रहा है कुछ। नासिर भाई अभी जा रहे घर पे। हम आ गए इस बोट पे, अभी सब एक एक करके बोट आ रही है समुंदर से। सो ये बोट अभी आई, इसमें कौन सी मच्छी मिली क्या अभी तक पता नहीं, देखेंगे। ये एक बोट बाजू वाली। सो गाइस मैं अभी एक एक सेकेंड बोट के ऊपर आया हूँ, अभी एक एक करके बोट आ रही है, पहले जिस बोट के ऊपर था फिर ये एक बोट आई, फिर अभी मेरे पीछे देख रही है एक बोट आई, यहाँ एक एक करके बोट आ रहे हैं। अभी किसको क्या मच्छी मिली है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि बोट अभी तक तो खाली हुई है, सिर्फ आई, अब कुछ टाइम में देखते क्या होता है क्या नहीं। जब तक हम बोट पे घूमते संभाल के, इधर गिरने भी होता है, चलो देखते क्या है। ये बोट पर देखिए ये सब मच्छी मिली हुई है। आपको सामने जो बोट पे इतनी पब्लिक दिख रही है वो नीलामी हो रही है, यानी बोट जब मच्छी लेकर आती है तो जो जो एजेंट होते वो मच्छी की नीलामी यानी मच्छी को खरीदते, जो ज़्यादा पैसे देगा मच्छी उसको मिलेगी, इस तरह से नीलामी होती है यानी ऑक्शन होता है। आप जो ये देख रहे हो ये यहाँ से मच्छी खाली करके, बर्फ़ खाली करके सब ये हो रहा है, अपना पानी मार के सफ़ा किया जा रहा है, तो यहाँ नीलामी होती है मच्छी की। जैसे जब पहले बोट आती है तो बोट को खाली करने से पहले नीलामी होती है, सब एजेंट लोग जो होते बड़े वो खरीदने आते हैं, अपना अपना एक एक दाम लगाते हैं मच्छी के ऊपर, कोई जो ज़्यादा बोलेगा उसको मच्छी मिलेगी ऐसा। सो अभी लगता है नीलामी इधर हो गई और मच्छी क्योंकि खाली कर रहे हैं यहाँ से, सब एक एक निकाल रहे हैं मच्छी टब भर के, आप जैसे सामने देख रहे हो। सो देखो यहाँ इसमें रखते अंदर मच्छी रखा जाता है, इसमें मच्छी बर्फ़ रखा जाता है। मैं हूँ अभी बोट के पीछे साइड पे, यहाँ मेरे ये बोट के आगे और दो बोट लगी हुई है, और आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो यहाँ काम करते जो नेपाली होते हैं यहाँ, ये इस जगह पे अपना खाना बनाते हो। देखिए बोट के कैबिन के पीछे साइड यहाँ खाना बनाते, और डबल कैबिन है जैसे, एक नीचे का हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा, और ये खाने का हिस्सा, खाना बनाने की जगह, किचन जैसे बोल सकते हैं आप नेपालियों का किचन। देखिए अंदर चूल्हा आपको दिखता होगा, और ये है पीछे की जगह, और ये सब जाला रखा हुआ है लगातार। देखिए बाकी भी दो बोट उधर खड़ी है, और ये बोट जैसे कि अभी खाली हो चुकी है। सरफराज आए पानी खाली करते हुए बोट के लिए। आ गया मैं अभी अपने घर पे, देख लिए हमारे गांव की डुंगेरी यानी मच्छी मार्केट, कैसे बोट आती है किनारे पे, कैसे बोट में से मच्छी निकाली जाती है और कैसे नीलामी होती है। बात करें तो आज ज़्यादा बोट समुंदर में नहीं गई बोलते, क्योंकि समुंदर में तूफान है इसलिए ज़्यादा बोट नहीं गई, अभी करीब 3 या 4 बोट आए हुए थे, उसमें से कैसे मच्छी निकाल रहे थे, और ज़्यादा आज मच्छी किसी को मिली नहीं, बांगड़ा मच्छी मिली हुई है, जो भी बोट आए उनको बांगड़ा मच्छी मिली हुई है, और एक होती है ऑयल की मच्छी, जो लास्ट बोट थी उसमें मिली थी ऑयल की मच्छी। और बोट आधे बोट सुबह भी आते हैं, जो अभी रात में जाते सुबह आते, कोई कोई आते 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, ऐसा बोट आते, बट ये जो अपने डुंगेरी देखे वो वैसी नहीं होती, और जब ज़्यादा बोट आते वो पूरी भरी होती है और बहुत वहाँ शोर होता है। आपको मैं फिर कभी जब ज़्यादा बोट आएंगे फिर कभी हमारे डुंगेरी का वीडियो बताऊँगा, तब आप देखिए किस तरह से नज़ारा होता है डुंगेरी का, किस तरह से मच्छियों की नीलामी होती है, किस तरह से गड़बड़ चहल पहल होती है,
सो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आई होप कि आपको ये ढूंगेरी का वीडियो अच्छा लगा, मच्छी मार्केट का। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।